कोरोना संकट के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच आईआईटी बॉम्बे ने रविवार को 58वां दीक्षांत समारोह वर्चुअल रियलिटी तकनीक से आयोजित किया। 1255 से ज़्यादा छात्र घरों में थे और खुद के एनिमेटेड अवतार को आभासी मंच पर एनिमेटेड निदेशक सुभाषिस चौधरी से डिग्रियां लेते हुए देख रहे थे। मेडल चीफ गेस्ट नोबेल पुरस्कार विजेता डंकन हॉल्डन के 3D अवतार ने प्रदान किए। देश और आईआईटी के 62 साल के इतिहास में पहली बार यह है जब दीक्षांत समारोह इस तरह आयोजित किया गया। आईआईटी का दावा है कि दुनिया भर में कई दीक्षांत समारोह ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं हुआ है। सभी छात्र एक मोबाइल ऐप के जरिए इस समारोह से जुड़े हुए थे। निदेशक चौधरी के मुताबिक, महामारी के बीच में भी हम छात्रों को अविस्मरणीय अनुभव देना चाहते थे। भौतिकी के 2016 के सह नोबेल पुरस्कार विजेता प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉल्डन ने वर्चुअली संबोधित किया, कहा इससे दुनिया को सीख लेने की ज़रूरत है। समारोह के दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद छात्रों के डिजिटल अवतार तालियां और सीटियां बजाते रहे। 20 विशेषज्ञ छात्रों ने इसके लिए 2 महीने तैयारी की थी। 5000 घंटे की मेहनत छात्रों के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मोबाइल ऐप डेवलप किया गया। एक दिन पहले पेरेंट्स के लिए वर्चुअल कैंपस टूर का भी आयोजन किया गया। Institute Gold Medal for the year 2019. Shashwat Shukla, the program of dual degrees of Bachelor of Technology and Master of Technology in Electrical Engineering.